फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा दुख ना मुझे पेड़ों का हो गया। सच्ची बताऊँ तो ऐसे प्लांट मैंने इतने बच्चे की तरह पाल रखे हैं, मेरे आने तक कहीं सूख जाएंगे, उनका बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है बस। वाह, सूरज कितना सुंदर लग रहा दोनों टहनियों के बीच में से देख के। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री उत्तराखंडी व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पलक। और यहाँ पे गाइस आज कल जाना है घर को, शाम को जाएंगे। सो यहाँ पे इतना सारा काम पड़ा ही है, सुबह सुबह का टाइम है तो आज बहुत सारा काम है, कल भी रहेगा ही सुबह से दो तीन बजे तक का। सो आज काम ये है कि कपड़ों का रहेगा आज का पूरा टाइम, कल का भी आधा कपड़ों का ही टाइम रहेगा। तो पता है ऐसे ही हो रहा है, तो फटाफट से ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करते हैं। चलिए फिर आज क्या क्या करती हूँ वो आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके, आइए। तो फ्रेंड्स, सुबह रे बना दिया मैंने यहाँ पे आलू के पराठे, ये अभी ऑफिस गए हैं, जल्दी से आ जाएंगे ना तो साथ में खाएंगे। ये आपको टूटे टूटे महसूस हो रहे होंगे, दिख रहे होंगे ना, तो ये इसलिए टूटे है क्योंकि ये चक्की का मोटा आटा है, तो इससे ना फट जा रहे हैं, मतलब इतने भी नहीं फट रहे हैं, टूट रहे हैं बस। और लेकिन ये होता बहुत अच्छा है ये वाला आटा, और सेहत के लिए भी अच्छा होता है ना पेट साफ करने में, क्योंकि जो पैकेट वाला आता है ना, जो हम वैसे लेते हैं कि 10 किलो 20 किलो वो वाला होता है, बिल्कुल उसमें चोकर नहीं होता है, इसमें चोकर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वाला आटा बहुत अच्छा होता है। आलू के पराठे बनाए अभी आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने बना रखा है थोड़ा मक्खन बनाया, तो बेटी को पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। और यहाँ पे जो मक्खन बनाया था उसका दही काफ़ी मोटा हो रहा है, नीचे से जो छाछ आती है ना काफ़ी मोटी हो रही है वो, तो मतलब मेरे को ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। छोटी ग्लास में उसने पी लिया, मक्खन भी लगाया ऊपर से, आप देख सकते हैं। तो ये सुबह का मेरा नाश्ता है, फिर अभी इतना सारा काम है आज, बता नहीं सकती क्योंकि घर भी जाना है। तो फ्रेंड्स, एक घंटा पहले मैं इनको डाल के गई थी कपड़े सुबह, ये देख सकते हैं आप, आधे से ज़्यादा ये सूख चुके हैं और इतने ही ये पीछे भी हैं, और उधर वाले में भी टांगे हैं अभी, ये देख सकते हैं आप। साड़ियाँ तो सूख भी गई हैं क्योंकि ना इनमें फफूंदी लग गई थी, तो मैंने आज पूरे टटोले कपड़े वगैरह, मैंने कहा घर जाने से पहले पहले जो गंदे कपड़े ये हो रखे हैं ना उसमें पता नहीं फफूंदी अपने आप ही कैसे लगी, फिर मैंने कहा इनको धो के कपूर डाल के पैक करके रख के जाऊँगी। ये मैंने कल रात धोए हुए थे, ये सूख गए हैं, तो उसके बाद मैं इनको नीचे को ले जाती हूँ। ये मेरे कपड़े ना उनके कपड़े वैसे टंगे हैं, मैंने कहा फटाफट से ना यहाँ का काम करके जाना पड़ेगा घर को भी, और मौसम बहुत अच्छा हो गया है तो एटलीस्ट कपड़े सूख गए। सुबह सुबह धूप आ गई थी, कल रात के भी सूख गए, अभी के भी सूख गए, अभी थोड़ी देर के बाद और धोती हूँ, और भी कपड़े हैं क्योंकि घर जाने से पहले यहाँ का काम करके अच्छे से जाना पड़ेगा ना गाइस, तभी तो, फिर नहीं तो और गंदे हो रहेंगे आने तक का। और ये अच्छा मौसम हो रहा है तो चलते हैं हम नीचे, उसके बाद और भी आप लोगों को काम दिखाती हूँ, काम के बीच बीच में आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूँगी, ठीक है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने ना यहाँ से सारे कपड़े उठा लिए, और यहाँ से भी सारे कपड़े उठा के ये मैंने बेटी के ना सारे पुरा मतलब ये पिछले साल वाले जो कपड़े हैं वो मैंने धो के रखे हुए थे, पर लेकिन ना उनमें 6-7 महीने के बाद अजीब से एक बदबू आने लग जाती है, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैंने घर जाने से पहले इसके सारे के सारे कपड़े फिर से धो लिए हैं। आधे इसमें से ये हैं और आधे ये हैं, और पता है इससे भी ज़्यादा कपड़े, पता है फ्रेंड्स मैंने इसके आधे आधे किए हैं, जो अभी अभी चाहिए मुझे वही निकालने हैं। ये 100% में से 25% कपड़े हैं इसके, मैं तो हद हो गई इसके कपड़े देख के, मैंने कहा पूरी अलमारी में इसी के कपड़े हैं, मेरे कपड़े तो कुछ भी नहीं है, ये एक बच्चों के कपड़े भी इतने हैं, अब बताओ। तो इसके बाद मेरा थोड़ा ये थैला भी गंदा हो रहा था, मैंने कहा ये मिल गया, इसमें भी कितने सारे थैले चाहिए ना रखने के लिए कपड़े वगैरह घर को जाने तक, तो ये तो हो ही गया चलो। और इसमें से आधे से ज़्यादा कपड़े घर हैं, और आधे थोड़ा ये है, थोड़ा अभी नीचे रखे हैं मैंने। और इसकी कैप देखा होती हूँ हाँ आपको, 1 2 3 वो वाली 4, और एक बीच में हल्की पिंक क्रीम कलर की 5, मतलब इस, और ये वाले दिखाती हूँ आपको, ये जो है ना ये मेरी सासू माँ ने खुद बुने हुए हैं इसके लिए, वो बहुत अच्छा बुनती हैं। और एक और चीज़ और दिखाती हूँ बुने हुए उनका,
ये देखो मेरी सासू माँ ने खुद बुने हुए हैं कितने अच्छे से, ये देखो इतने अच्छे अच्छे डिजाइन डाल के। मेरे को ना ये वाले नहीं आते, मुझे क्रोशे आता है पर ऐसे नहीं आता। ये पीछे से चिल्ला रही है, कितनी खुश हो गई मम्मी का नाम लेते ही। तो अब चलते हैं नीचे, पेड़ों का भी मुझे कुछ ना कुछ करके जाना ही पड़ेगा। इधर भी हैं, इधर भी हैं, अभी अंदर भी हैं, उधर कोने पे भी हैं, बहुत सारे हैं, तो उनका भी कुछ ना कुछ मुझे करके जाना पड़ेगा ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके।